हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्रूव्यू 7983 थर्मल इमेजिंग फेस डिटेक्शन कैमरे का आपको डेमो देने जा रहा हूँ। उसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है विद ब्लैक बॉडी और विदाउट ब्लैक बॉडी। देखिएगा कैमरा 7983 यहाँ पर लगा हुआ है। इसका जो मेनली जो ये है कि ये कैमरा जो है कि फेस डिटेक्ट करता है और फेस डिटेक्ट कर फेस पे ही आपको टेम्परेचर रीडिंग बताता है। ये डुअल लेंस कैमरा है, विजुअल लेंस जो है इसका 2 मेगापिक्सल है और थर्मल कैमरा जो है उसका रेजोल्यूशन अलग होता है, जो कि आप स्पेसिफिकेशन में देख सकते हो। देखिए यहाँ पे जो कैमरे का इंस्टॉलेशन आपको करना है, आपको जो हाइट होती है कैमरे की वो चाहिए कि आपको 2 मीटर और हाइयर चाहिए। आप अगर उसको उससे नीचे करते हो तो आपका फेस रीडिंग प्रॉपर नहीं करेगा। तो यहाँ पे कैमरा में जो दे रहा है आपने कि यहाँ पे अप टू 2 मीटर्स कैमरा इंस्टॉल्ड है और सेकंड इसको लगा हुआ है, इसको सेंसर ये लगा है जो कि अगर हाइयर टेम्परेचर डिटेक्ट होता है तो सायरन यहाँ पे बजना चाहिए, इसलिए ये सायरन लगा हुआ है विथ लाइट। तो इस अलार्म इनपुट में सायरन लगा हुआ है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस सायरन का माइनस यहाँ पे इसको लगा हुआ है NONC को, और प्लस जो है डायरेक्टली पावर अडप्टर के प्लस को लगा हुआ है। जो अडप्टर का माइनस है वो फिर से आपको इस कॉमन में लगा हुआ है जो कि अलार्म आउटपुट में। तो इस तरीके से आप सायरन इंस्टॉल कर सकते हो। आपको इसको लैन केबल आप लगा सकते हो, जो कि आपको कंप्यूटर को आपको व्यूइंग के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप ये कर सकते हो। और पावर आपको जो देना है 12 वोल्ट 1.2 एम्पीयर आपको पावर देना है। इसमें बेसिकली जो लाइट है वो वाइट LED है, जो कि आपका अगर लाइट कम हो जाता है तो ऑन होकर आपको ऑटोमेटिकली वो कलर इमेज देगा, जो कि फेस डिटेक्शन में आपको हेल्प करेगा। सेकंड है कि आपको इसको विदाउट विद ब्लैक बॉडी अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो ब्लैक बॉडी का जो पोजीशन है, अगर आपने कैमरा 2 मीटर पे लगाया है तो बेसिकली आपका जो कैमरा ब्लैक बॉडी का हाइट है वो 1.8 मीटर चाहिए। तो वो भी मैं आपको देखिएगा यहाँ पे कैम ब्लैक बॉडी इंस्टॉल है इस तरह से। तो ये ब्लैक बॉडी यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ देखिएगा, ब्लैक बॉडी इंस्टॉल है यहाँ पे, उसको पावर देने आपको इसी का जो कि पावर दिया हुआ है। इस ब्लैक बॉडी को कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम इसमें डिफॉल्ट 35 है, अगर आपको चेंजेस करना है तो मैन्युअली जो टेम्परेचर है उसका एडजस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। बेसिकली ब्लैक बॉडी क्या करता है कि ब्लैक बॉडी जो है आपको एक्यूरेट टेम्परेचर देने के लिए हेल्प करता है। उसका कोई अलग से कोई सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, बस आपको टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हेल्प करता है। तो देखिएगा ब्लैक बॉडी इंस्टॉल है यहाँ पे, आप कैमरा देखिएगा। और एक मेन आपको सजेशन है कि जब आप ब्लैक बॉडी जब यूज कर रहे हो तो ब्लैक बॉडी आपको अपोजिट में नहीं करना है, जैसे कैमरा लगा हुआ इस साइड में और आपका जो वेट अगर है इस तरह से है लेफ्ट में है तो आपको राइट साइड में आपका ब्लैक बॉडी लगाना है, जो कि आपको आप जैसे पर्सन वॉकिंग वॉक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बीच में नहीं आना चाहिए ब्लैक बॉडी और कैमरे के। अगर आते हैं तो आपको फॉल्स अलार्म मिलेगा और एक्यूरेट आपको टेम्परेचर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप ब्लैक बॉडी और कैमरे का इंस्टॉलेशन कर सकते हो। विदाउट ब्लैक बॉडी अगर आप यूज करना चाहते हो तो ब्लैक आपको उसके लिए सिर्फ आपको कैमरे का हाइट आपको एडजस्ट करना है, उसके अलावा आपको कुछ ये नहीं करना है। सेकेंड है कि आप जो फेस डिटेक्शन है, फेस डिटेक्शन एकदम एक्यूरेटली चाहिए आपको, ये एक्यूरेटली डिटेक्ट करना चाहिए। तो सजेशन है कि आपको 1.5 से 2 मीटर में आपका जो डिटेक्शन करेगा फेस डिटेक्शन वो होना चाहिए, ना कि आपको 5, 7, 8, 10 मीटर तक वो फेस डिटेक्ट प्रॉपरली नहीं करेगा और आपको टेम्परेचर डिटेक्शन भी नहीं देगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कैमरा 2 मीटर जो फेस पर्सन जो वॉक थ्रू करते हैं तो कैमरा और फेस पर्सन का फेस जो है 2 मीटर डिस्टेंस में चाहिए, ना कि उससे ज़्यादा चाहिए। तो चलिए मैं आपको अभी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। बेसिकली आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है इसमें, मैं डायरेक्टली आपको सॉफ्टवेयर आपको नेक्स्ट फिनिश करना है। मैं डायरेक्टली आपको सॉफ्टवेयर इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। आपको यूजर नेम यहाँ पे एडमिन इनपुट करना है और पासवर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको अगर चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। मैं डायरेक्टली ओके कर रहा हूँ पासवर्ड। ओके करने के बाद में यहाँ पे सेटिंग्स आ जाएगी।
बेसिकली सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद में आपको कैमरा ऐड करना होता है, तो 7983 का आईपी एड्रेस जो है डिफॉल्ट 192.168.1.18 है, 18 होता है, तो आपको उस सीरीज में लेके आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। बट अभी इसका आईपी एड्रेस मैंने चेंज किया है मैन्युअली, तो यहाँ पे मैं एड्रेस जो आईपी एड्रेस है कैमरे का वो इनपुट कर रहा हूँ 100.18 और यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। अभी देखिए कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ तो ऑनलाइन आ गया, यहाँ पे थर्मल इमेज है और यहाँ पे जो विजुअल इमेज भी आ गई। तो इस तरीके से सब कैमरा डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो जाता है। सेकंड यहाँ पे डिटेक्ट है, डिटेक्ट यानी जितने भी आपके फेस डिटेक्ट हुआ है डायरेक्टली उसका आपको यहाँ पे डिटेक्शन में आ जाएगा टोटल। और सस्पेक्टेड जो है आपने सेटिंग किया है एग्जाम्पल 37.5 उससे अगर ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली अलार्म आना चाहिए और सस्पेक्टेड में जाना चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको रेड में आपको बताएगा। आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, अगर आपको डेटा एक्सपोर्ट चाहिए एक्सेल में चाहिए तो वो कैसे निकलता है वो मैं आपको आगे शो करूँगा और जिस किस फॉर्मेट में आपको वो व्यू होता है। आपको अगर क्लीन करना है पूरा डेटा तो आप यहाँ से क्लीन भी कर सकते हो। सेकंड है कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए इंस्टेंट रिकॉर्डिंग तो आप यहाँ पे इंस्टेंट रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो जो कि आपको MP4 में मिलेगा। उसके बाद में आपको जो रिकॉर्ड हुआ है वो फोल्डर यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ से व्यू भी कर सकते हो आप, तो इस तरीके से आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। सेकंड थर्ड ऑप्शन है कि स्नैपशॉट, जो स्नैपशॉट आपको चाहिए तो यहाँ पे स्नैपशॉट पे क्लिक कीजिए, आपको डे वाइज आपको यहाँ पे स्नैपशॉट मिलेंगे, तो इस तरीके से आपको स्नैपशॉट मिलते हैं यहाँ पे जो कि देखिए इस तरह से आप स्नैपशॉट देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको कंपेयर, उसके बाद में है फोर्थ ऑप्शन सेटिंग, तो सेटिंग कैसे करना है वो आपको शो करता हूँ। अलार्म स्विच है, अलार्म स्विच यानी आपने जो सायरन लगा हुआ है उसको अगर आपको ऑन रखना है बजना चाहिए तो आप ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से मैंने ऑन किया है। सेकंड है कि डिफॉल्ट यहाँ पे आपको 10 सेकंड होता है तो आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको 5 सेकंड चाहिए या फिर आपको 10 सेकंड डिफॉल्ट रखना है तो वो कर सकते हो। सेकेंडली कैप्चर इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है 1000 मिली सेकंड, तो आप ये भी चेंज कर सकते हो। सेकेंड फेस डिटेक्शन, फेस डुप्लीकेशन आपको नहीं चाहिए कि बार बार एक ही फेस वहाँ से वॉक थ्रू करता है, बट आपको फर्स्ट टाइम उसका रीडिंग लेना चाहिए, सेकेंड उसके बाद में नहीं लेना चाहिए, तो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। आप जैसे कर देते हो तो वो फेस रीडिंग नहीं लेगा, फर्स्ट टाइम ही लेगा, डिफॉल्ट ऑन है यहाँ पे। नॉर्मल फॉर्म पे यानी आपको NO रखना है NC रखना है जो अलार्म इनपुट आउटपुट है, तो आप वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, तो मैं NO के लिए ऑन किया है। डिटेक्शन जोन यानी आप एग्जांपल के लिए आपको पूरा कैमरा, आपको पूरे कैमरे में जैसे व्यू होता है उस कैमरे में आपको डिटेक्ट कोई पर्सन आता है तो डिटेक्ट होना चाहिए, या फिर आपको जोन क्रिएट करना है तो जोन क्रिएट करने का यानी एग्जांपल आपका गेट है या फिर विंडो है तो वहाँ पे आप एक क्रिएट कर लीजिए, विंडो सेलेक्ट कर लीजिए, गेट सेलेक्ट कर लीजिए, उस गेट में से ही आता है तो वो जो आपको टेम्परेचर डिटेक्ट करेगा, उसके बाहर अगर है तो नहीं करेगा। डिफॉल्ट वो जो होता है वो पूरे कैमरे में कोई पर्सन आता है तो उसको डिटेक्ट करता है। तो जोन कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रैक पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे और आपका जोन सेट कर लीजिए। ये ख्याल रखना कि ब्लैक बॉडी जोन के अंदर नहीं आना चाहिए, ब्लैक बॉडी बाहर ही चाहिए जोन के, अगर वो आ जाता है तो आपको फॉल्स अलार्म देता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद में आप ओके कर दीजिए और सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद में देखिए आपका सेटिंग ऑन हो गया। फेस साइज़ अगर आपको चेक करना है तो आप फेस साइज सेटिंग भी कर सकते हो। अगर डिफॉल्ट तो कोई फेस साइज नहीं करना है, अगर आपको करना है तो वो भी आप सेट कर सकते हो, तो मैं अभी वो सेट नहीं करूँगा। सेकंड है कि आपको इमेजेस पाथ अगर आपको सेट करना है तो आप इमेज पाथ भी आपसे यहाँ पे सेट कर सकते हैं, इमेज प्लस रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको जैसे एग्जांपल में डी सेलेक्ट किया हूँ, ऑलरेडी डिफॉल्ट यहाँ पे डी है तो आप उस तरह से सेट कर सकते हो। सेकंड है कि करेक्शन विद ऑटो करेक्शन इसलिए है कि अगर आप विदाउट ब्लैक बॉडी यूज़ करते हो तो ऑटो करेक्शन रखना है, अगर आपको विद ब्लैक बॉडी है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। आपको ऑटो जैसे करते हो तो आपको ब्लैक बॉडी करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास में ब्लैक बॉडी है तो ही आप ब्लैक बॉडी सेलेक्ट करके
ब्लैक बॉडी करेक्शन कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको सेट करना होता है, ये जो है आपका ब्लैक बॉडी यहाँ पे आपको व्यू हो रहा है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको ब्लैक बॉडी का जो पोर्शन है वो ड्रैग कर लेना है। कैसे करना है मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ड्रैग पे क्लिक कीजिए और आपको इसको इस तरह से सेट करना होता है। उसके बाद में आपको ओके पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे 35 आ रहा है, ये डिफॉल्ट है। अगर आपका ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है, आपने जो ब्लैक बॉडी को सेट किया है वो टेम्परेचर आपको यहाँ पे सेट करना होता है। तो ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है अभी जो डिफॉल्ट है 35 है, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ ब्लैक बॉडी में, जो कि आपको तो ब्लैक बॉडी का जो आपका टेम्परेचर है ये यहाँ पे आपको सेट करना है। सेट करने के लिए देखिए यहाँ पे सेव कर दीजिए, टाइप कीजिए और सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको ब्लैक बॉडी का सेटिंग यहाँ पे हो जाता है। ब्लैक बॉडी डिटेक्शन आपको जो है 12 से 14 रख सकते हो, डिफॉल्ट जो 6 है तो आपको डिफॉल्ट में सजेशन करूँगा 6 ही देख दीजिए। करेक्शन मोड में आप आवर वाइज करेक्शन कर सकते हो 0.1 या फिर 0.1 से, ये भी जो है वो डिफॉल्ट आपको रखना है। मैक्सिमम टेम्परेचर जैसे आपका फेस डिटेक्शन का मैक्सिमम टेम्परेचर हाई हो जाता है, एग्जाम्पल यहाँ पे 37.5 दिया है, अगर कोई पर्सन का 37.6 होता है तो ऑटोमेटिकली वो आपको अलार्म देगा। तो इसलिए ये आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। डिफॉल्ट जो होता है 37.3 है, 3 होता है, तो मैं अभी यहाँ पर ऑलरेडी 5 था, मैं अभी 5 सेट कर रहा हूँ। लोअर टेम्परेचर यानी जो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद में है टेम्परेचर मोड, इस कैमरे में दोनों ऑप्शन सेट सपोर्ट करता है, यानी कि सेंटीग्रेड और फारेनहाइट। आपको जनरली इंडियन इन्वायरमेंट में और डॉक्टर सजेशन देते हैं, चेक करते हैं फारेनहाइट में, तो आप फारेनहाइट भी सेट कर सकते हो। मैं जनरल आप डेमो के लिए सेंटीग्रेड में सेट कर रहा हूँ। उसके बाद में आप सेव पे क्लिक कर दीजिए डायरेक्टली, ओके ओके। इसके बाद में आपका सेटिंग्स फिनिश हो जाता है। तो चलिए इतना ही आपको सेटिंग्स करना है। यहाँ पे कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग नहीं होता है, आपको मैन्युअली रिकॉर्डिंग इनेबल करना होता है। यहाँ पर आपको अगर आपने मैन्युअली पे क्लिक किया है तो ही रिकॉर्ड होगा, अगर आपने किया नहीं है तो नहीं होगा। सेकंड है कि आपको स्नैपशॉट ऑटोमेटिकली निकलता है, जैसे ही फेस डिटेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली वो कैप्चर कर लेता है स्नैपशॉट और उसके कंप्यूटर में आपके डिस्क में सेव कर लेता है। वो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली फोल्डर में जाके व्यू भी कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ टेम्परेचर स्नैपशॉट कैसे देखना है। देखिएगा इसमें और जैसे डेट वाइज क्रिएट करता है और ये यहाँ पर क्रिएट करेगा, तो इस तरीके से ये स्नैपशॉट यहाँ पे रिकॉर्ड करता है। अब स्नैपशॉट देख रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा स्नैपशॉट है यहाँ पे, आपको विजिबल में भी दिखेगा और थर्मल में भी आपको उसका व्यू मिलेगा विद टेम्परेचर। इसका जो रेजोल्यूशन है आपको फुल 1080p में मिलता है। तो चलिए अभी लाइव डेमो बताता हूँ मैं आपको कि कैसा डिटेक्ट करता है और आपको वो सॉफ्टवेयर में क्या ये देता है, इंट्रोजन देता है। जनरेट होता है, अपन ने अभी देखा है कि लाइव में कैसा दिखता है, लाइव में कैसा डिटेक्ट करता है पर्सन को फेस डिटेक्शन में। और टेम्परेचर देखिए यहाँ पे डेट टाइम और मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाता है। उसी तरीके से हर एक अगर रेड में है तो सस्पेक्टेड में आता है और ग्रीन है वो जो डिटेक्शन में बताता है आपको। आपको अगर वो स्नैपशॉट अगर देखना है तो आप डायरेक्टली स्नैपशॉट फोल्डर पर क्लिक कीजिए और स्नैपशॉट फोल्डर में डेट वाइज आप जाते हैं।
जाइए और डेट वाइज आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे सब फोल्डर्स देखिए, इस फाइल्स ऑन फाइल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। इस तरीके से टेम्परेचर ये शो करता है। उसके बाद में आपको अगर रिकॉर्डिंग भी देखना है तो आपने रिकॉर्डिंग अगर पास दिया है डायरेक्टली आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। मैं अभी इसका रिकॉर्डिंग भी मैन्युअली इनेबल किया था, वो भी अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। डी में मैंने पास दिया है, रिकॉर्ड में जाकर यहाँ पर थर्मल इमेज रिकॉर्डिंग है, देखिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स। आपको अगर लाइव विजुअल रिकॉर्डिंग देखने तो आप विजुअल रिकॉर्डिंग में यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से। सेकंड है कि अभी यहाँ पे आपको अगर रिपोर्ट जनरेट करना है, एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और आपको पाथ देना है, जैसे कि डेस्कटॉप किया, ओके कर दिया। यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर इस नाम की फाइल क्रिएट हो गई, उसको ओके कीजिए और वो जो फाइल है यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे एमएस वर्ड और एक्सेल नहीं है इसलिए ये ओपन नहीं हो रही। आपको ये कैसे होता है वो फॉर्मेट भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं कॉपी करता हूँ सबसे पहले तो फाइल, डिटेक्ट के नाम से जो फाइल क्रिएट हुई है उसको ओपन कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे और टेम्परेचर आया है पर्सन का, उसके बाद में अलार्म, टाइम, इमेज और इंफ्रारेड इमेज, ये बहुत आपको शो करता है डेट के साथ में। तो आप इस तरीके से कैसे अलग अलग इमेजेस आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आपका कैमरा टू व्यू 7983 कैमरा आप इंस्टॉल कर सकते हो और विविंग भी आप कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो डेटा है विथ टेम्परेचर विथ इमेजेस भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।